नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। अभी की सबसे बड़ी खबर हार्दिक पटेल को लेकर आ रही है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान से काफी वक्त से नाराज चल रहे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अब इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके अब इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से जो है इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरे हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच के रूप में कार्य कर पाऊंगा। हार्दिक पटेल के इस ट्वीट के बाद देखने को मिल रहा है कि गुजरात में कांग्रेस में तहलका मच चुका है, क्योंकि यहां पर गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में हार्दिक का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर मानी जा रही है। वहीं देखा जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हार्दिक पटेल के हालिया बयानों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हार्दिक पटेल का इस्तीफा आया है, उसके बाद अब गुजरात में किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे काम करती है और यहाँ पर क्या हार्दिक पटेल को मनाने की कोशिश की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी गुजरात की कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं चल रही है और अब देखने वाली ये बात होगी कि आगे चलकर सोनिया गांधी इस पर क्या निर्णय लेती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।